नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीवन 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आइए रुक करते हैं सहरसा यानी कि बिहार की खबर का। सहरसा पहुंचे आज रेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सहरसा जिले के कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनोज झा ने बताया, इंडिया एयरलाइंस 24 वचन जनता के बीच रख रही है। इस वचन को देख विरोधियों के बीच बौखलाहट है। बौखलाहट के बीच कोई कुछ भी बोल रहा है। प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा और कद की गरिमा को भी भूल रहे हैं। एक तरफ महागठबंधन जन सरोकार मुद्दों की बात कर रहा है, हमारे और आपकी थाली की बात कर रहा है। दुनिया में कहीं भी चुनाव मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की भव्यता की साइज पर नहीं होते हैं। मंदिरों में खड़े व्यक्ति को भी भूख लगती है। मंदिरों में भी प्रार्थना के लिए जुड़े हुए हाथ, उसके परिवार को भी नौकरी चाहिए। क्या एक परिवार को 1400 का सिलेंडर खरीद पाना संभव है? हमने मात्र 500 रुपए के सिलेंडर का प्रावधान किया है। आगे उन्होंने बताया कि मुसलमान इंडिया पाकिस्तान किए बगैर हमारे भारत के कथा कथित यशस्वी प्रधानमंत्री पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकते। आगे देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि न जाने प्रधानमंत्री को क्या होता जाना है। उनका चुनाव के वक्त गरिमाहीन भाषा, किसी के लिए कोई भी टिप्पणी भारत की राजनीतिक में किसी और से नहीं तो अटल जी से ही सीख लो भाई। वही मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सहरसा की कई लंबित मांगों को लेकर मनोज झा ने कहा कि जब मैं बगल के सुपौल को देखता हूं तो सुपौल काफी परिवर्तित हुआ है। सहरसा एक तरफ से टाइम बम सा हो गया है, उनको खोलने की कोशिश होगी। आगे उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद हम इस पूरे एरिया के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन करेंगे ताकि सहरसा मधेपुरा में मक्का संबंधित उद्योग लग सके। लेकिन वही जब सहरसा की प्रमुख समस्या रेल ओवर ब्रिज के बारे में सवाल पूछे गए तो उनमें से उन्होंने अपने आप को पल्ला झाड़ी और कहा कि इस मुद्दे पर हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। कि जो आरक्षण का प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है, उसको खत्म करना, उसके बड़े तौर तरीके मोदी जी को पता है। हमारे प्रधानमंत्री जी को, जो मछली मटन के विशेषज्ञ हो गए, उनको पता है कि नौकरियां ही नहीं होगी तो आरक्षण किस बात का। उन्होंने नौकरियों को खत्म करने की एकाएक सिलसिला शुरू कर दिया। तो 24 वचन आपके समक्ष, बिहार की जनता के समक्ष, जो कि कांग्रेस की घोषणा पत्र से मिलता जुलता है और उसी तरह की आत्मा इसकी भी है, हम इसको लेकर के आए। अब बौखलाहट है, बौखलाहट में कोई कुछ भी बोल रहा है। प्रधानमंत्री जी अपने पद की गरिमा और कद की गरिमा भी भूल रहे हैं। बिहार की तमाम खबरों को लगातार इसी अंदाज में देखने के लिए बने रहिए जीबीएन 24 न्यूज पर।